ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, ये रिवाइज्ड कोर्स है 30 दिसंबर 1985 का। आज की वाणी का सार है विशाल बुद्धि की निशानी। आज मीठे बाबा कह रहे हैं, आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। केवल संगम युग पर ही ये रूहानी मिलन, स्नेह का मिलन बाबा और बच्चों का पॉसिबल होता। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ इस संगम युग को ही इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। ये समय की बलिहारी है कि हम और बाबा मिल पा रहे हैं। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। कौन सा वरदान? रूहानी मिलन का वरदान। इस वरदानी समय पर वरदानी बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। समय की भी बलिहारी है, वरदानी बाबा की बलिहारी है, और फिर अपनी भाग्य की बलिहारी है कि हम बाबा से ये अविनाशी वरदान प्राप्त कर पाते रूहानी मिलन का। तो ये जो समय है, ये एक ही ऐसा समय है जब समय, भाग्य और भगवान तीनों का इकट्ठे आना होता। संगम युग का वरदानी समय आया है। वरदाता बाप ने हम बच्चों को, हम वरदानी बच्चों को अविनाशी वरदान से भरपूर किया और उसी के आधार से हम बाबा से ये रूहानी मिलन मना पाते। तो बाबा कहते हैं, बाप का भी, विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदाकाल का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। बच्चे तो बहुत भोले और साधारण हैं, लेकिन श्रेष्ठ प्राप्ति इन्हीं बच्चों को हो रही है और यही भोले साधारण बच्चे इन वरदानों से भरपूर होकर सारे विश्व के आगे निमित्त बने हुए हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। तो हर एक की जो प्राप्ति की आस है
वो अल्पकाल की प्राप्तियों की तरफ ही है। हर एक जो अधिकारी बनना चाहता है वो या तो साइंस की विद्या या राज विद्या या अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता के अधिकार का अधिकारी बनने का इच्छुक है। तो बाबा कहते फिर उनको प्राप्ति भी वो अल्पकाल की ही होती, लेकिन बाप दादा को कौन सी विशेषता हम बच्चों में पसंद आई? तो बाबा कहते सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसीलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान लेकर जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। भले भोले हैं पर विशेषता कौन सी है? अपने आप को भी पहचाना और बाबा को भी पहचाना। पहचान तो बाबा ने ही कराई, हमें स्वयं की भी और बाबा की भी, लेकिन हम बच्चों का रुझान इस तरफ था कि हम स्वयं को जाने और बाबा को जाने। तो बाबा कहते ये जो स्वयं को पहचाना और बाप को पहचाना, इसी विशेषता के आधार से बाप दादा के वरदानों के अधिकारी बन पूज्य आत्माएं बन जाते। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। तो बाबा कहते वो भी हमारे यादगार स्वरूप के सामने नमन वंदन करते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। माना वैसे तो साधारण है पर क्योंकि बाप दादा के वरदानों के अधिकारी बन गए तो इसलिए ऐसे विशेष बन गए कि विशेष आत्माएं भी हमारे यादगार स्वरूप के सामने ही नमन वंदन करती हैं। तो बाबा कहते कि ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो? ऐसा तो नहीं कि अभी भी अपने आप को साधारण ही समझते, वरदानी समय में स्वयं वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करते हुए भी हम ये समझ पा रहे हैं कि भले दुनिया की दृष्टि से भोले और साधारण हैं पर वो नशा है कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहते ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो? दुनिया में तो लौकिक नशा है, जिस्मानी नशा है। बाबा कहते ऐसा रूहानी नशा हम बच्चे अनुभव करते हैं? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। दुनिया में हर एक जो उम्मीदवार है उसी को लेते, जैसे कोई एडमिशन्स भी होते तो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो चाहे कोई भी एडमिशन हो तो कहेंगे जो ब्राइट है उन्हीं को एडमिशन दें ताकि फिर हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन हो। लेकिन एक बाबा ही है जो ना उम्मीदवार आत्माओं को भी उम्मीदवार बनाते। तो ये बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और बाबा आज बहुत एक रोचक बात कहते, अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा जब हम मधुबन में सब इकट्ठे हुए हैं बाबा के नूरे रतन, तो बाबा कहते कि अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? अगर किसी को पूछे या बताएं भी तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी साधारण रीति से बैठे
ये विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की सभा है। एक बार वाराणसी में गुलजार दादी आए हुए थे, कुछ 6-7 साल पहले की बात होगी। तो ऑडिटोरियम में, बड़े ऑडिटोरियम में हम सभी बैठे थे, दादी को सुन रहे थे, दादी को देख रहे थे। और फिर सभी इतनी विशेष कॉन्शियसनेस में नहीं थे, कुछ साधारण कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं क्योंकि हमेशा वो स्मृति नहीं होती। फिर दादी जब शेयर कर रहे थे तो उसके बीच में उन्होंने कहा, ऐसे दृष्टि घुमाई पूरे हॉल में और कहा कि ये जो सभा है ये कल राज्यसभा बन जाएगी। और अचानक हरेक की जैसे स्मृति का बल्ब ऑन हुआ और सचमुच जैसे एक साक्षात्कार सा हो गया कि कैसे ये जो हम बैठे हैं आज भले अपने को साधारण समझ रहे हैं पर ये वास्तव में विश्व के राज्य अधिकारियों की सभा है। तो बाबा कहते कि ये भी जो बात है ये किसी अनजान आत्मा को कहें तो शायद समझ ना पाए और कभी कभी हम भी भूल जाते, लेकिन बाबा कहते ये जो बाप को पहचानने की विशेषता, स्वयं को पहचानने की विशेषता रही और फिर उसके आधार से बाप दादा से रूहानी मिलन मनाने का वरदान मिला, तो इस वरदान के आधार से आत्मा स्वराज अधिकारी बन जाती। इस दुनिया में कितनी भी विशेष आत्माएं हों उनको स्वराज अधिकारी बनने की कला नहीं पता, और जब आत्मा स्वराज अधिकारी बन जाती तो वो विश्वराज अधिकारी बनने की भी दावेदार बन जाती। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी सभा है ये वास्तव में भविष्य विश्वराज अधिकारियों की सभा है। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी अनजान आत्मा को कहें तो क्या मानेंगे, आश्चर्यवत हो जाएंगे कि ये क्या कहते हैं। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। बाबा कहते और एक विशेषता जो बच्चों में बाबा देखते वो है दिल के स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना। बाबा को दिमाग वाले, तो दिमाग वाली आत्माएं भी आवश्यक हैं सेवा में, लेकिन बाबा कहते बाबा की दिल पर वही बच्चे चढ़ते जो दिल का स्नेह रखते और दिल की श्रेष्ठ भावना रखते। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। बाबा हमेशा कहते कि तुम कोई ट्रेन या प्लेन पर चढ़कर नहीं आते हो, तुम तो दिल के स्नेह की फ्लाइट पर चढ़कर आते हो। तो बाबा कहते हैं जो दिल का स्नेह है यही चाहे विश्व में कहीं भी बच्चा रहता हो लेकिन उसको मधुबन निवासी बनाता, या बाबा का दिल का प्यार, बाबा के लिए उसके दिल में जो प्यार है वो उसे खींच कर मधुबन ले जाता। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है, इसीलिए जो भी हो जैसे भी हो लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसीलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, बाप आएगा उस समय ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप सबके मुख से और दिल से क्या निकलता है, पा लिया। तो बाबा कहते दुनिया वाले तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे दिल से तो यही अनहद नाद निकलता कि पा लिया।
आप संपन्न बन गए और वो बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग से परख रहे हैं, दिल से नहीं परख रहे। दिल से पहचाने तो दिल जो है वो दिलाराम को जानती है। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप। भोलानाथ बाप क्योंकि बाबा को कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए बच्चों में। बाबा तो बहुत बहुत साधारण चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते कि बच्चे में दिल का स्नेह है, दिल की श्रेष्ठ भावना है, बच्चे ने स्वयं को पहचाना, बाप को पहचाना। और ये छोटी सी क्वालिफिकेशन के आधार पर बाबा हमारी झोली वरदानों से भर देते। हम नित्य स्वयं भगवान से मिलन मनाते और बाप समान बनकर फिर विश्व राज अधिकारी बनने के भी हकदार हो जाते। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? पहचान भी लिया बाबा को, प्राप्त भी कर लिया, बाबा से सर्व खजाने मिल गए, सर्व वरदान बाबा ने हमारी झोली में भर दिए। अब बाबा कहते अब क्या करना है? अब बाबा एक प्रश्न पूछते जो हर एक आत्मा को अपने दिल से पूछना चाहिए। सर्व आत्माओं पर रहम आता है? हैं तो सभी आत्माएं ना, एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। बाप को पहचान लिया तो बाप के द्वारा परिवार को भी पहचान लिया, अपने भाई बहनों को भी पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो दिल से ये भावना आती कि परिवार का एक भी सदस्य बाप दादा के वरदानों से वंचित न रह जाए। हमें रहम आता कि हर एक को हम बाबा से मिलाएं। ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है? वह अपनी प्रवृत्तियों में भी बिजी हो गए हो, अपनी ही प्रवृत्ति में बिजी रह रहे हो कि यही मेरा छोटा सा परिवार है, ये चार लोग। बाबा कहते या सचमुच पहचाना कि बाप मेरा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, और ये जो विश्व परिवार है ये मेरा वास्तविक परिवार है। मेरी प्रवृत्ति भी बेहद की है, ये पहचान मिली या अभी भी वो छोटी सी लौकिक प्रवृत्ति में ही बिजी हो? बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। हमारी जो मन की स्टेज हो वो बेहद की हो। और फिर बाबा कहते बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं का श्रेष्ठ संकल्प, आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो हमेशा हमारी वृत्ति में ये रहना चाहिए कि हम विश्व सेवाधारी हैं और बेहद की स्टेज पर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प का उमंग उत्साह हमारे दिल में होना चाहिए। अब बाबा कहते अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम तो हमें सबको बनाने आते और ये भी हर एक को होना रहता कि प्रोग्राम भव्य हो, विशाल हो। लेकिन बाबा आज हमारा ध्यान खिंचवा रहे कि जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल,
विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। दिल विशाल, उमंग विशाल और रूप विशाल। या यही सोचते हो, भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं। इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये तो आज्ञाकारी बनने की निशानी है ही, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता कि ड्यूटी बजा ली। ड्यूटी तो हाथों से बजानी है, मुख से बजानी है, लेकिन वो करते हुए दिल कैसा है, भावना कैसी है, उमंग उत्साह की स्टेज कैसी है, स्वरूप कैसा है, बाबा कहते उसको भी चेक करें। ड्यूटी बजाना तो आज्ञाकारिता हुई वो अलग, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी ये है, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। ड्यूटी तो करनी है पर उसमें नवीनता लाना। कौन सी नवीनता? बाबा कहते चाहे भोजन खिलाने की सेवा हो, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन ज़रूर हो। वो जो नवीनता बाबा कहते वो कौन सी नवीनता हो? अब भोजन खिलाना तो भोजन खिलाने की तरीके ही होगा, या भाषण तो भाषण की तरीके से ही करेंगे, लेकिन जो एडिशन हो वो रूहानियत की एडिशन हो। कुछ हम ऐसा अपनी दृष्टि में रखें, कुछ अपना ऐसी वृत्ति में रखें या स्मृति में रखें, या कुछ अपनी भावना में ऐसा इंक्लूड करें या ऐड करें जो पहले नहीं किया था, पिछले वर्ष जिस चीज़ की समझ नहीं थी। जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती तो आत्मा की स्टेज भी आगे बढ़ती। उस हिसाब से बाबा कहते कि रूहानियत की एडिशन करते जाओ। तो बाबा कहते कि जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन ज़रूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, लेकिन ये जो रूहानियत की एडिशन करना, कुछ भी नवीन करने के लिए उमंग उत्साह चाहिए, क्रिएट करने के लिए उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा कहते एक होता है कि नियम प्रमाण, कहे प्रमाण, आज्ञा प्रमाण, ड्यूटी बजा रहे हैं, लेकिन यदि पर्सनल उमंग उत्साह होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रूहानियत का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, बस सोचते हो जैसा चलता है वैसा ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है, और विधि का वृद्धि से कनेक्शन भी है। जितनी विधि पावरफुल होती जाएगी उसी क्रम में विधि अच्छी अपनाई, रूहानी विधि अपनाई, इंटेंसिटी रूहानियत की बढ़ी तो फिर वृद्धि भी ज़्यादा होगी। बाबा कहते वही सेवा की लेकिन विधि में परिवर्तन आया तो वृद्धि में भी परिवर्तन होगा। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की,
परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है, कैसे हम आत्मा को बाबा के और परिवार के करीब ला सकेंगे, क्योंकि हमारा काम तो बस इतना है कि जो सोर्स है बाबा, जिससे उस आत्मा को सब कुछ मिलने वाला है, उसका संबंध बाबा से और परिवार से जोड़ दें। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को बाबा के करीब और परिवार के संबंध में लाने के लिए क्या नवीनता लाएं, उसका मनन करो। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, अब बाबा पूछते सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं? सभी का कार्य है ना, जब लेने में सब हकदार हैं, बाबा से सब झोली भर रहे हैं, तो कार्य भी सभी का है ना। हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, ऐसा नहीं हर कोई स्टेज पर चढ़ जाएगा। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेंगे क्या? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। बाबा कहते रोल सबका अलग अलग होगा, लेकिन कार्य को संपन्न करने में निमित्तपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की इक्वली है। चाहे स्टेज पर कोई दिखेगा, भोजन सर्व करते कोई दिखेंगे, कोई अरेंजमेंट करते दिखेंगे, कोई सिक्योरिटी की सेवा में होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर एक अपने को ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कम है। निमित्त हर एक है, बाकी ड्यूटी तो जो कार्य की संपन्नता के लिए आवश्यक है उस हिसाब से बांटी जाएगी। और बाबा फिर स्पष्ट करते कि किस बात में निमित्त बनना है, तो बाबा बताते चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। हम चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन जब बाबा का विशेष कार्य चल रहा है, तो उस समय तक जब तक वो कार्य है, हर एक आत्मा सदा निरंतर विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना अपने दिल में रखे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वैसे तो कभी कभी हम बैठकर सकाश दे देंगे या विश्व कल्याण की भावना भी अपने अंदर रखेंगे, पर ये सदा रखना, निरंतर रखना, क्योंकि फिर उस समय हम कोई भी व्यर्थ, कोई भी साधारण संकल्प, जो हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई बातें हैं, उसके कारण से नहीं ले सकते। उस समय हमें अपने को निमित्त समझकर अपने मन को इस विश्व कल्याण के कार्य के लिए उस समय अर्पित कर देना होता, कि चाहे आसपास कोई भी बात हो रही हो, पर मेरा मन इस समय विश्व कल्याण की सेवा और विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावनाओं को इमर्ज करने की ड्यूटी में है।
तो फिर उस कॉन्शियसनेस से जो आसपास साधारण वातावरण होता या व्यर्थ का भी होता, तो उस वातावरण से भी हमें अपने मन की सेफ्टी रखनी होती। बाबा कहते जैसे आजकल के VIP अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो शुभकामनाएं भेज देते हैं ना, तो आप उनों से कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। तो जो ड्यूटी में है उनको बाबा कहते कि कोई रूहानियत की नई एडिशन करो, जो वहाँ पर आसपास नहीं है, कहीं दूर बैठे हैं, तो बाबा कहते उस घड़ी अपने मन को विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाएं इमर्ज करने में बिजी कर दो। और फिर बाबा कहते ये दिन, ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गंवाएं। किसी भी हद की बातों में ऐसा कंगन बांध लें, कंगन बांध लें माना ऐसा अपने साथ पक्का कर लें कि इस समय से इस समय तक किसी भी व्यर्थ की हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत समझने की बात है कि हम जब अपना समय और संकल्प वेस्ट करते तो उस वेस्ट का एक वेट इकट्ठा होता, एक बोझ इकट्ठा होता, और वो जो बोझ है वो हमें आगे भी शुभ संकल्प करने नहीं देता। ये हम अपने जीवन में अनुभव करें कि जैसे कोई बात हो गई और हमने अपने आप पर अटेंशन नहीं रखा, इसलिए बाबा ये बात कहते कंगन बांधने की, क्योंकि प्रॉमिस करना, अटेंशन रखना, कंगन बांधना ये बहुत अच्छी विधि है अपने आप को अवेयरनेस में रखने की। और यदि हम अवेयर नहीं रहते और किसी भी बात में हमने 10-12 संकल्प चला लिए व्यर्थ के, क्या क्यों कैसे के, तो फिर हम देखते कि उसका जो मोमेंटम क्रिएट होता तो फिर चाहकर भी हमारा योग नहीं लगता या हम कोई शुभ भावनाएं इमर्ज नहीं कर पाते। तो बाबा कहते तो स्वयं को इस कार्य के लिए इस तरह से निमित्त बनाना है कि अपने अंदर ये कंगन बांध लेना मन में कि कुछ भी हो जाए, हद की किसी भी बात में एक भी संकल्प, एक भी समय का सेकंड हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन, मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ, वायुमंडल वातावरण का जो कनेक्शन है वो वृत्ति से है। जब हमारी वृत्ति में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, शुभकामना होती तो उससे वो वातावरण सेवा का बहुत पावरफुल बन जाता। तो बाबा कहते अपने आप को इस सेवा में नियुक्त करो। जब हम बाबा के बच्चे हैं और हमें कोई लेने में नियुक्त नहीं करता, हम जब चाहे जितना चाहे बाबा से खजाना लेते हैं, तो हमें सेवा में भी स्वयं को स्वयं नियुक्त कर देना है कि मुझे पावरफुल वातावरण, पावरफुल वायुमंडल क्रिएट करने के लिए अपनी वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ और शुभ रखना है, और इस समय मुझे कोई भी व्यर्थ संकल्प, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है।
जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? क्योंकि बाबा कहते साइंस तो आपकी रचना है, तो यदि रचना से ये पॉसिबल होता तो रचयिता से क्या नहीं हो सकता? कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे, इसका भाव ये नहीं समझना। फिर बाबा को पता है कि कहाँ बच्चों की बुद्धि जो है वो उल्टी चलने लगती, तो बाबा सावधानी भी देते, इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। जब बाबा के इतने बच्चे उस खुशी की, उमंग उत्साह की लहर को क्रिएट करेंगे, तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा में इस उमंग की, खुशी की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना, गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इस खुशी की लहर फैल जाए। अभी भी समय प्रमाण बाबा हमें इशारा देते कि गोल्डन एज आने वाली है, इस खुशी की हमें लहर फैलानी है। और वो लहर फैलाने के लिए हमें क्या करना है? उस गोल्डन एज की खुशी को अपनी वृत्ति में धारण करना है और फिर वातावरण में उसके वाइब्रेशन फैला देने हैं। भयभीत आत्माएं हैं, नाउमीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। और वो उम्मीद पैदा कैसे होगी? जब हम उतने उमंग उत्साह से निरंतर इस वृत्ति में स्थित होंगे, तो बाबा कहते ये जो वृत्ति है ये सफलता का आधार बनेगी। माना हर आत्मा के अंदर ये उम्मीद जगेगी कि हमारा भविष्य श्रेष्ठ है। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो, ये है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन, गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को भी निमित्त बनाओ। अब बाबा कहते ऐसी आत्माओं को भी निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनकी अनेक सुनते हैं, उनको निमित्त बनाए। तो एक को निमित्त बनाया तो अनेकों के वो निमित्त बन जाते। बाबा आप क्या कहते? सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता। कोई भी आत्मा के निमित्त बनने के लिए, किसी ऐसे को निमित्त बनाने के लिए, उसको उसकी सेवा जो है
मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, संबंध संपर्क से निरंतर करते रहना होता, तब तो जाकर उनके जो मन की धरनी है वो तैयार होती आबू तक पहुंचने के लिए या प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए। तो बाबा कहते सोचते सोचते नहीं रह जाना, सोचते ही रहेंगे, करेंगे करेंगे, कहते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हैं। संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए हैं कि ऐसी आत्माएं आएं जो एक अनेकों के निमित्त बन जाएं। तो ऐसी आत्माओं को लाने के निमित्त बनने के लिए फिर बाबा कहते उसका भी प्लान बनाओ, बहुत समय तक उन आत्माओं को अपनी मनसा संकल्प की शक्ति से सींचो, उनको संबंध संपर्क में रखो ताकि जब प्रोग्राम हो तो उनको निमंत्रण दे दो, पहुंच सके। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो, इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। बाबा कहते धरनी तो तैयार करते जाओ और फिर जब सीजन होगी सेवा की तो बीज डालेंगे और फल निकल आएगा। समझा क्या करना है? अब बाबा बहुत इम्पोर्टेंट एक एडिशन हमें बताते, मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। किसी की भी सेवा करते तो मेहनत तो बहुत करते लेकिन बाबा कहते एडिशन किसकी करो? मोहब्बत की। स्नेह में वो शक्ति है कि ना वाला भी हाँ कर देता है, समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है, तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ऐसे है। बाबा कहते धरनी ऐसे हो भी तो भी उस धरनी को बनाओ, अपने स्नेह के जल से उसे सींचो। रूहानी स्नेह, परमात्मा से स्नेह लेकर उस रूहानी स्नेह से उस आत्मा की धरनी को सींचो। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। अब बाबा पूछते आप कैसे थे? उसको तो कह देते वो तो ऐसे हैं, आप कैसे थे? बदल गए ना? किसने बदला? बाबा के स्नेह ने। तो स्नेह की कमाल तो देखी है ना हमने, तो फिर उसी स्नेह को सेवा में यूज क्यों नहीं करते? शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अब बाबा कहते अपने घर में आए हो ये तो बाप को भी खुशी है लेकिन समय तो हद का है ना, क्योंकि बच्चे जब बहुत सारे मधुबन में पहुंच जाते तो फिर बाबा को ये भी आता कि हर एक से मिलन मनाएं, पर फिर समय की भी सीमा है तो बाबा उसी की ओर इशारा दे रहे हैं, जितनी संख्या उतना ही बचता है ना, चीज़ चार हो लेने वाले आठ हो तो क्या करेंगे, उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। तो बाबा कहते जो पर्सनल मुलाकात यहाँ नहीं कर पाएंगे तो बाबा कहते अव्यक्त वतन में आपका स्वागत है, वहाँ समय की कोई सीमा नहीं है। अब बाबा हर एक जोन के प्रति कहते महावाक्य उच्चारण करते, महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली
अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं, दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर वन होना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में नंबर वन हेडक्वार्टर है, चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर वन होना है। डबल विदेशी भी नवीनता करके दिखाएंगे। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। किस खुशखबरी की? आने वाले श्रेष्ठ स्वर्णिम युग की खुशखबरी की लहर हर एक देश में फैल जाए। लोग बहुत भयभीत हैं ना, ऐसे आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर दो, जो वो समझें कि ये फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं, फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब कुमारियों से बाप दादा मिल रहे हैं। कुमारियाँ पढ़ने वाली कुमारियों का ग्रुप है, उससे बाबा रूहानीहान कर रहे हैं। तो कुमारियाँ जो भी सुन रहे हैं आज, वो ध्यान दें बाबा की क्या उम्मीद है कुमारियों से। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। भक्ति में भी कुमारी जीवन की वंदना होती है। नवरात्रों के समय कुमारियों का पूजन होता है, तो बाबा कहते हैं कुमारी जीवन सदा ही श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है, क्योंकि निर्दोष जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो, विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की? बाबा ने मम्मा को भी यही प्रश्न पूछा था कि तुम कोट पैंट वाले से शादी करेंगी कि पीताम्बरधारी से करेंगी। आज बाबा वही प्रश्न कुमारियों को पूछते, विश्व सेवाधारी बनेंगी या हद की सेवाधारी बनेंगी? गुजरात की सेवा करनी है, मध्य प्रदेश की करनी है, या फलाने स्थान की सेवा करनी, ऐसे तो नहीं है। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। स्वयं में यदि बेहद की दृष्टि वृत्ति हो, एवर रेडी, कहीं भी सेवा है तो भागे, तो फिर ऐसी एवर रेडी आत्माओं के अंदर वो शक्ति होती कि वो और भी आत्माओं को एवर रेडी होने का वरदान प्राप्त करवा पाती। तो आप कुमारियां जो चाहें वो कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती है। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। जब जो बड़े बड़े अपने कहे पर ना चल पा रहे हों, उस घड़ी जब कुमारियाँ अपनी दृष्टि वृत्ति को, अपने आंतरिक रेडीनेस को ऐसा रखें कि एवर रेडी की अवस्था में जो संकल्प करें वो कर सकें, तो बाबा कहते फिर तो सेवा का डंका बच जाएगा। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, वो पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में नंबर ले रहे हैं। बाबा कहते इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है,
लक्ष्य यही रखना है कि नंबर लेना ही है। सदा विशेषता ये दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन आपके लेकिन जिसके भी सामने जाओ वो आपकी जीवन से पाठ पढ़े। बोलना कम पड़े और जिसके भी सामने जाए वो हमारे जीवन से पाठ पढ़े। बाबा कहते हैं, मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वो आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो बाबा कहते ये विशेषता है, आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। जीवन वैसे भी निर्दोष है, वैसे भी श्रेष्ठ है, भक्ति में भी गायन पूजन होता है। बाबा कहते इसमें यदि बाबा की पढ़ाई का एडिशन हो जाए, उसमें भी नंबर आगे मिल जाए और एवर रेडी की वृत्ति बन जाए, तो बाबा कहते जीवन ऐसी दर्शनीय हो जाती कि जीवन से ही हर एक को पाठ मिल जाता। तो बाबा कहते मुख आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर ने मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो मानते नहीं हैं। कहते सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। बाबा आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते, देखो रेडियो सुनने की चीज़ है, टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे? टीवी ना, तो सुनने से देखना पसंद करते हैं। तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का क्या महत्व है उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है, क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? टोकरी उठाएंगी, टोकरी माना बाबा कहते नौकरी की टोकरी, तो बाबा कहते हद के सेवाधारी क्यों बनना है, नौकरी की टोकरी क्यों उठानी है, विश्व सेवाधारी बनना है। समझा? अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का मीठा वरदान है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। समानता ही संपन्नता है, और आज बाबा कहते बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बाप समान हैं, तो बाबा कहते ये समानता का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है
जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। तो बालकपन की विशेषता बाबा ने बताई, बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। और मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। तो बालक बनना, बाप समान बनना माना, एक तरफ मालिकपन का नशा कि मैं विश्वराज अधिकारी आत्मा, तो दूसरी तरफ विश्व सेवाधारी का भी नशा। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, ये भी नशा कि मैं बाप समान संपन्न आत्मा, तो ये भी नशा कि मैं विश्व सेवाधारी बन अनेक आत्माओं की सेवा में उपस्थित आत्मा। तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। हर एक व्यक्ति अपनी अधीनता को समाप्त करना चाहता है। हर एक को अच्छा नहीं लगता कि हम प्रकृति या व्यक्ति या वस्तु के अधीन रहें, लेकिन बाबा कहते उसकी विधि क्या है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनना। हर ज्ञान की पॉइंट को इस रूप से धारण करना कि उस ज्ञान की पॉइंट में जो शक्ति समाई हुई है उस शक्ति का हम अधिकार प्राप्त कर सकें, और तभी जाकर हमें अपनी सर्व कमजोरियों पर या अधीनता पर विजय प्राप्त होगी। ओम शांति।